हेलो, गुड आफ्टरनून नंदिनी। हेलो, माय वॉइस इज गुड कमिंग आफ्टरनून क्लियर? मैम। गुड आफ्टरनून बेटा, वॉइस आ कमिंग। रही है क्लियर? ओके। तो यस मैम। यस्टरडे आई कंप्लीटेड द फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। ओके, फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम कल कंप्लीट कर दिया था, जिसमें कि विच इंक्लूड्स फिजियोलॉजी बोलें या तो फिर बोलें मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। ओके, सो इसी तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कल बताया था। सो मैकेनिज्म, इट इन्वॉल्व थ्री प्रोसेस, तीन प्रोसेस होते हैं, तीन स्टेप होते हैं। सबसे पहला आपका ब्रीदिंग और पल्मोनरी वेंटिलेशन बोलेंगे, जिसमें जो इंक्लूड करता है आपका इनहेलेशन एंड एक्सपायरेशन ऑफ और एक्सहेलेशन ऑफ एयर। ओके, दूसरा होता है इंटरनल एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, विच इंक्लूड्स द एक्सटर्नल रेस्पिरेशन विच इंक्लूड्स द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन आपकी जो एल्विलॉय एंड द ब्लड कैपलरीज। एंड थर्ड स्टेप विच इंक्लूड्स द इंटरनल रेस्पिरेशन विच इज द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द कैपलरी, जो ब्लड कैपलरीज में एब्जॉर्ब हुआ है ऑक्सीजन वो, एंड द टिश्यू और सेल। ठीक है, तो ये तीन प्रोसेस मिलके कंबाइन आपका जो होता है वो कंबाइन करके बनाते हैं मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। ये तीनों स्टेप आते हैं मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन में। ओके, तो नाउ आफ्टर दिस टुडे आई विल स्टार्ट वॉल्यूम्स, लंग्स वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज। फ्यू डेफिनेशंस हैं, कुछ डेफिनेशंस हैं जो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में पूछ लेते हैं। ओके, सो ऑन दैट पॉइंट ऑफ व्यू ये जो डेफिनेशंस हैं इम्पॉर्टेंट हैं। लॉन्ग आंसर्स में रेयरली है, बट एनीथिंग कैन आस्क। ओके, बट शॉर्ट के लिए इम्पॉर्टेंट है, दैट्स वाई आई एम कवरिंग दिस पार्ट। सो लंग्स हैज वेरियस वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज। जो उसके सबसे पहला है टाइडल वॉल्यूम। व्हाट इज टाइडल वॉल्यूम? टाइडल वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी इनहेल्ड एंड एक्सहेल्ड ड्यूरिंग वन नॉर्मल ब्रीथ साइकिल। ठीक है, तो टाइडल वॉल्यूम क्या होता है? अमाउंट ऑफ एयर, जब हम नॉर्मल, इतने हम नॉर्मल कंडीशन में है, नॉर्मली हम ब्रीथ कर रहे हैं, एयर को इनहेल करना और एक्सहेल करना, तो जितना अमाउंट ऑफ एयर नॉर्मल ब्रीदिंग में हम लेते हैं उसे बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। ओके, सो अबाउट 500 ml होता है। ओके, सेकंड है आपका इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी फोर्सफुली इनहेल बियॉन्ड अ टाइडल इनहेलेशन। ठीक है, तो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम से क्या है मतलब, जब जितना हमारा नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम है, जितनी हम नॉर्मल इनहेल कर रहे हैं, उससे ज़्यादा आप कितना फोर्सफुली इनहेल कर सकें। ठीक है, सो वो होता है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, तो जितना आप फोर्सफुली इंस्पायर कर सकते हैं अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, वो आ जाता है आपका इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। सो कितना होता है? अराउंड 3000 ml, मतलब 3 liter इन मेन एंड 2 liter इन वुमेन। ओके, देन है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। देन एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी फोर्सफुली एक्सहेल्ड बियॉन्ड अ टाइडल एक्सहेलेशन। ठीक है, जैसे इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में हम इंस्पायर कर रहे थे टाइडल वॉल्यूम के अलावा जितनी एयर है, वैसे ही एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या है? जब हम टाइडल वॉल्यूम में जितना अमाउंट ऑफ एयर हम एक्सहेल करते हैं नॉर्मल ब्रीदिंग में, उसके अलावा हम फोर्सफुली कितना एक्सहेल कर सकते हैं, मतलब हम फोर्सफुली एयर कितनी एक्सहेल कर सकते हैं, दैट्स कम्स अंडर योर एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ओके, सो अराउंड 1200 ml इन मेन एंड 700 ml इन वुमेन, जो कि हम टाइडल वॉल्यूम के अलावा उसे एक्सहेल कर सकते हैं, फोर्सफुली हम एक्सहेल कर सकते हैं। ओके, ये हो गया। देन फोर्थ वन इज योर रेसिड्यूअल वॉल्यूम। नाउ व्हाट इज रेसिड्यूअल वॉल्यूम? द अमाउंट ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स आफ्टर एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है,
जब हम फोर्सफुली एक्सपायर कर देते हैं एयर, उसके बाद भी हमारे लंग्स में कुछ अमाउंट ऑफ एयर रह जाती है. ऐसा नहीं है कि हमारा लंग्स बिल्कुल, लंग्स में बिल्कुल भी एयर नहीं रहती है. फिर भी आप जब हम मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एक्सपायर कर देते हैं, हम एक्सहेल कर देते हैं एयर, उसके बाद भी जो लंग्स में अमाउंट रह जाएगी एयर की, उसे बोलते हैं रेसिड्यूल वॉल्यूम. ओके, सो दैट इज अराउंड 1200 ml इन मेन एंड वुमेन. ठीक है, तो इतना 1.5 liter ml जो एयर है वो स्टिल उसमें रहती है. ओके, तो आफ्टर दिस कैपेसिटीज है, ये तो लॉन्ग वॉल्यूम्स थे, टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, रेसिड्यूअल वॉल्यूम. नाउ इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी बेटा बहुत लेट आते हैं सभी, बीच में डिस्टर्बेंस होता है ऐसे. इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर इनहेल फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमम एक्सपायरेशन. ठीक है, तो हाँ, मतलब आपका कितना अमाउंट ऑफ एयर हम मैक्सिमम इनहेल कर सकते हैं. ठीक है, सो वो जो कैपेसिटी है उसको बोलेंगे, वो जो कैपेसिटी है उसे बोल रहे हैं हम इंस्पायरेटरी कैपेसिटी ऑफ लंग्स. तो जो विच इज इंक्लूड टाइडल वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम एंड इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. सो मतलब ये नॉर्मल ब्रीथ में इतनी वॉल्यूम ऑफ एयर थी, प्लस साथ साथ में जो हमने एक्स्ट्रा एयर फोर्सफुली ली है, तो दोनों को जब प्लस कर देंगे तो वो हो जाएगा आपका इंस्पायरेटरी कैपेसिटी लंग्स की. ओके, मतलब आपका लंग्स कितना वो कर सकता है, इंस्पायर कर सकता है, इंस्पायर कर सकता है टाइडल वॉल्यूम, मतलब नॉर्मल ब्रीदिंग में हम ले रहे हैं जो, और जो हम फोर्सफुली ले रहे हैं, तो इन दोनों को जब प्लस कर देंगे तो उतनी कैपेसिटी है, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी है लंग्स की. अंडरस्टूड? नेक्स्ट इज योर फंक्शनल रिजर्व कैपेसिटी. फंक्शनल रिजर्व कैपेसिटी, द वॉल्यूम इन द लंग्स आफ्टर नॉर्मल पैसिव एक्सहेलेशन. ठीक है, सो लंग्स आफ्टर नॉर्मल एंड पैसिव एक्सहेलेशन, जब आप नॉर्मली और पैसिव एक्सहेलेशन कर देते हैं, उसके बाद कितनी वॉल्यूम ऑफ एयर रह जाती है, वो है आपकी फंक्शनल रिजर्व कैपेसिटी. तो जो नॉर्मल थी आपकी, वो आपकी रेसिड्यूअल वॉल्यूम, और साथ साथ में जो हमने एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम था, हमने मैक्सिमम अमाउंट जब एक्सहेल कर दिया, और साथ साथ में जो आपके लंग्स में एयर ऑलरेडी है, सो दोनों इंक्लूड करके होता है आपका फंक्शनल रिजर्व कैपेसिटी. ओके, नाउ नेक्स्ट इज योर वाइटल कैपेसिटी. वाइटल कैपेसिटी, द वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सहेल आफ्टर मैक्सिमम इनहेलेशन. पहले आपको मैक्सिमम इनहेल करना है, उसके बाद कितना वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सहेल करेंगे, तो दैट कम्स अंडर योर वाइटल कैपेसिटी. सो इट इंक्लूड्स योर टाइडल वॉल्यूम, ठीक है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. ठीक है, सो इन दोनों का जो, इन तीनों का जो एडिशन है, दैट कम्स अंडर योर वाइटल कैपेसिटी. आफ्टर दिस इज टोटल लंग कैपेसिटी. टोटल लंग कैपेसिटी क्या है? द वॉल्यूम वॉल्यूम अपॉन द मैक्सिमम एफर्ट ऑफ इंस्पायरेशन. जब आप मैक्सिमम एफर्ट के साथ जो इंस्पायर करते हैं, दैट्स कम्स अंडर योर टोटल रिजर्व, टोटल लंग्स कैपेसिटी. सो इट इंक्लूड योर रेसिड्यूअल वॉल्यूम एंड वॉल्यूम, दिस वाइटल कैपेसिटी. तब इन दोनों को जब आप प्लस कर देंगे, मतलब ये आपके लंग्स में ऑलरेडी है, और ये जो आपकी वाइटल कैपेसिटी थी, इन तीनों का प्लस, इन तीनों का, टाइडल का, इंस्पायरेटरी, एक्सपायरेटरी, इनको प्लस कर दो, और साथ साथ में रेसिड्यूअल को भी प्लस कर दो, तो ये सारा जब प्लस कर देंगे तो हो जाएगा आपका टोटल लंग्स कैपेसिटी. ठीक है, समझ आया बेटा? तो ये फ्यू डेफिनेशंस हैं जो आपको वन वर्ड में पूछ सकते हैं, वो कि व्हाट इज टाइडल वॉल्यूम. ठीक है, वॉल्यूम भी दे सकते हैं, अदरवाइज डेफिनेशन से भी पूछ सकते हैं, या फिर जो ये आपके ये फॉर्मूला है, इनके भी ये भी दे सकते हैं कि व्हाट इज लंग्स कैपेसिटी, देन यू हैव टू टिक द आंसर. ओके, तो आफ्टर दिस लंग्स कैपेसिटी, वन मोर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, येस्टरडे ऑल्सो आई टोल्ड, दैट इज योर रेगुलेशन ऑफ रिस्पायरेशन.
ठीक है, क्रिसमस लेट इज कमिंग, ओके। तो सेम थिंग जो आपका था, ये एक डायग्राम में भी प्रेजेंटेड है कि आपकी रेसिड्यूअल वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम, ठीक है, सेम थिंग इट इज रिप्रेजेंटेड इन दिस टेबल ऑल्सो। नाउ कम्स टू द रेगुलेशन ऑफ कंट्रोल ऑफ रेस्पायरेशन एंड रेगुलेशन, या तो आप बोलो कंट्रोल ऑफ रेस्पायरेशन या फिर बोलो रेगुलेशन ऑफ रेस्पायरेशन, कुछ भी पूछ सकते हैं, दोनों ही में आपका सेम आंसर रहेगा। सो जो रेगुलेशन ऑफ रेस्पायरेशन और कंट्रोल ऑफ रेस्पायरेशन, जो रेस्पायरेशन होता है आपके दो तरीके से कंट्रोल होता है, पहला न्यूरोनल कंट्रोल एंड दूसरा है आपका दिस केमिकल कंट्रोल, ठीक है, न्यूरोनल कंट्रोल एंड दूसरा कौन सा, केमिकल कंट्रोल। सो पहले एक देखते हैं, पहले हम न्यूरोनल कंट्रोल देखते हैं। तो न्यूरोनल कंट्रोल में या फिर आप बोल सकते हैं रेस्पिरेटरी सेंट्रल कंट्रोल, ठीक है। सो जो सेंटर में न्यूरोनल से समझ आ रहा है कि न्यूरॉन्स से रिलेटेड, सो ये जो न्यूरोनल कंट्रोल होता है ये सेंटर कंट्रोल करता है, सीएनएस कंट्रोल करता है, ओके। सो आपकी सीएनएस में जो मेडुला एंड पोन्स हैं वो इन्वॉल्व होते हैं रिस्पायरेशन को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, मेडुला एंड पोन्स। सीएनएस अभी आपने पढ़ा नहीं है तो मैं आपको दिखा दूँ, ये स्ट्रक्चर है जिसमें कि ये पोन्स है और ये मेडुला है, ओके। ये ब्रेन स्टेम का पार्ट होता है, मिड ब्रेन, पोन्स एंड मेडुला, ये ब्रेन स्टेम का पार्ट है जिसमें कि पोन्स एंड मेडुला जो है आपके न्यूरोनल कंट्रोल के पार्ट है, जिसमें कि मेडुला इज द मेन है, जो मेडुला मेन है बट कौन भी कंट्रोल करता है, ओके। मेन मेडुला इज द रेस्पिरेटरी सेंटर, ओके। तो कोई भी अगर चेंज होता है, आइदर ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल कम हो रहा है या फिर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज़्यादा हो रहा है या तो फिर ब्लड पीएच कम हो रहा है, ब्लड पीएच कम हो रहा है मतलब कि एसिडोसिस कंडीशन हो रही है जिसमें कि एच प्लस आयन कंसेंट्रेशन ज़्यादा हो रहे हैं, ठीक है। तो इन तीनों के केस में क्या है, ये जो आपके ये सेंटर्स हैं ये आपके एक्टिवेट हो जाते हैं, ठीक है। तो जो मेडुला है, द मेडुला इज द प्राइमरी रेस्पिरेटरी कंट्रोल सेंटर एंड इट्स मेन फंक्शन इज टू सेंड द सिग्नल्स टू द मसल दैट कंट्रोल द रेस्पिरेशन टू कॉज ब्रीदिंग, ठीक है। तो इसका मेन फंक्शन क्या है, ये जो आपकी जो मसल्स हैं जो ब्रीदिंग को कंट्रोल करती हैं, कौन सी मसल्स हैं, कल बताया था, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, इंटरकोस्टल मसल्स आपकी और डायफ्राम, ये मेन मसल्स हैं जिनको ये सिग्नल सेंड करते हैं, ठीक है। दूसरा है आपका देन इसमें ही आपके इस डायग्राम में देखेंगे, इसमें आपके मेडुला में ही दो पोर्शंस होते हैं जिसे बोलते हैं डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप, डॉर्सल मतलब जो पोस्टीरियर साइड में है, और एक होता है वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप, ओके। सो मेडुला ऑब्लोंगेटा में दो सेंटर है, डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप एंड वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप्स, ओके। सो डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप क्या है, स्टिमुलेट करता है इंस्पायरेटरी मूवमेंट को, जो हम इंस्पायर करते हैं वो कौन कंट्रोल कर रहा है, डॉर्सल, ओके। और जो एक्सपायर कर रहे हैं, जो नॉर्मल एक्सपायरेटरी करते हैं या एक्सहेल करते हैं, वो पैसिव प्रोसेस होता है, उसमें ज़रूरत नहीं होती है, बट जब हम फोर्सफुली एक्सपायर करते हैं तो उसमें कौन सा ग्रुप इन्वॉल्व है, वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप, ठीक है। तो जो वेंट्रल एरिया है, जो वेंट्रल एरिया है वो किस चीज़ को कहाँ पर इन्वॉल्व होता है, जब हम फोर्सफुली एक्सपायर करते हैं तो उस टाइम वो सिग्नल सेंड करता है, ओके। साथ साथ में इसमें पोन्स हैं, जो पोन्स भी आपके रेस्पिरेटरी सेंटर में आते हैं, इसका मेन फंक्शन क्या है, रेट एंड स्पीड ऑफ इनवॉलेंट्री रेस्पिरेशन, ठीक है, ये रेट और स्पीड को कंट्रोल करता है, जो पोन्स है ये रेट और स्पीड को कंट्रोल करता है, जो कितनी स्पीड से हमें ब्रीथ करना है ना, उसको कंट्रोल करेगा। इसमें भी दो सेंटर्स होते हैं, एपनोस्टिक सेंटर एंड
न्यूमोटैक्सिक सेंटर, ठीक है, जैसे कि मेडुला में दो सेंटर है, इसमें भी दो सेंटर है, एपनोस्टिक सेंटर है, न्यूमोटैक्सिक सेंटर. एपनोस्टिक सेंटर सेंड सिग्नल फॉर इंस्पायरेशन फॉर लॉन्ग एंड डीप ब्रीथ. जब लॉन्ग और डीप ब्रीथ लेना होगा तो कौन सेंटर सिग्नल सेंड करता है? एपनोस्टिक सेंटर. ओके, और न्यूमोटैक्सिक सेंटर सेंड सिग्नल्स टू इनहिबिट द इंस्पायरेशन एंड अलाउ इट टू फाइनली कंट्रोल द रेस्पिरेटरी रेट. ठीक है, तो जो न्यूमो आपके न्यूमोटैक्सिक सेंटर है, न्यूमोटैक्सिक सेंटर ऊपर होता है और ये पोन्स में, और एपनोस्टिक सेंटर नीचे होता है. ओके, सो ये क्या करता है, सेंड सिग्नल, सिग्नल को सेंड करता है इंस्पायरेशन रेट को कम करने के लिए, वाइल एपनोस्टिक सेंटर क्या करता है, इंस्पायरेटरी रेट को बढ़ाने, लॉन्ग और डीप करने के लिए. ओके, सो ये है, ये आपके जो मेडुला और पोन्स का जो रेस्पिरेशन है होता है वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता, दैट इज इनवॉलेंट्री इन नेचर. वाइल सीएनएस में ही मोटर कॉर्टेक्स एरिया है जो कि वॉलेंट्री कंट्रोल करता है रेस्पिरेशन का, जैसे हम फ्यू सेकेंड के लिए अपना ब्रीथ को रोक सकते हैं, है ना. सो दैट इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ द वॉलेंट्री कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन विच इज कंट्रोल्ड बाय द एरिया विच इज प्रेजेंट इन सीएनएस, सेरिब्रल कॉर्टेक्स. सेरिब्रल कॉर्टेक्स में मोटर कॉर्टेक्स होता है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो आपका सीएनएस का सेरिब्रल कॉर्टेक्स एरिया है, वहाँ पर मोटर कॉर्टेक्स में एरिया प्रेजेंट है विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द वॉलेंट्री कंट्रोल. वो हमारे कंट्रोल में, वो एरिया आपका वॉलेंट्री कंट्रोल को टेक केयर करता है. ओके, अंडरस्टूड. ये हो गया आपका न्यूरोनल कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन. नाउ कम्स टू द केमिकल कंट्रोल और कीमोरिसेप्टर रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग. ठीक है, सो कीमोरिसेप्टर भी आपके दो तरीके से हैं. कीमोरिसेप्टर से नाम से ही समझ आ रहा होगा, या फिर केमिकल रेगुलेशन नाम से ही समझ आ रहा हो, जो केमिकल को सेंस करते हो वो रिसेप्टर्स. ठीक है, केमिकल जैसे कि आपका हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन, देन ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन, देन कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन, इन्हीं तीनों की कंसंट्रेशन को ये जज करते हैं. ओके, सो इसमें भी आपके दो तरह के रिसेप्टर हैं, सेंट्रल कीमोरिसेप्टर एंड पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर. जो सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स हैं वो कहाँ लोकेटेड होते हैं, मेडुला में, लोकेटेड इन मेडुला. जो अभी आपने देखा ये, ठीक है, मेडुला में रिसेप्टर्स जो लोकेटेड होते हैं मेडुलरी रीजन में, उसे बोलते हैं आपके सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स. दे आर सेंसिटिव टू पीएच ऑफ देयर एनवायरनमेंट. ठीक है, और देन पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, एरोटिक एंड कैरोटिड बॉडीज. ठीक है, विच एक्ट प्राइमरली टू डिटेक्ट द ऑक्सीजन कंसंट्रेशन इन आर्ट्रियल ब्लड एंड मॉनिटर आर्ट्रियल कार्बन डाइऑक्साइड एंड पीएच. जो मैंने अभी बताया, जो पेरिफेरल रिसेप्टर्स होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, डायग्राम में मैं आपको दिखा देती हूँ. सभी को डायग्राम दिख रहा है, ये है. सो आपके ये है एरोटिक बॉडीज. एरोटिक बॉडीज कहाँ प्रेजेंट होती है, आर्क ऑफ एरोटा में. ये हार्ट है, ये आर्क ऑफ एरोटा है, यहाँ पर एरोटिक बॉडीज प्रेजेंट होती हैं. ये आपके रिसेप्टर्स होते हैं जो सेंस करते हैं कि यहाँ पर एरोटा में या ब्लड में कितना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कंसंट्रेशन है, ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का या हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन क्या है. अगर वो उसका बैलेंस, अगर इम्बैलेंस हो गई है, इनका कंसंट्रेशन इम्बैलेंस हो गया है, सपोज ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम हो गई है, तो ये क्या सिग्नल सेंड करते हैं सीएनएस में. ओके, मेडुला में सेंड करते हैं. ओके, सेम दूसरा रिसेप्टर कौन सा है, कैरोटिड बॉडीज. एरोटिक बॉडीज एंड कैरोटिड बॉडीज. कैरोटिड बॉडीज कहाँ प्रेजेंट होती हैं, जो ये आपकी कैरोटिड आर्टरी है, कैरोटिड आर्टरी है. ये आपकी इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी है, ये कॉमन कैरोटिड आर्टरी है. ओके, ये नेक के पास से जाती हैं, ये नेक के पास से जाएंगी, तो जो ये यहाँ पर ये कॉमन कैरोटिड आर्टरी, जहाँ से ये आपकी दो में डिवाइड हो रही है, उसके यहाँ प्रेजेंट होते हैं आपके कैरोटिड बॉडीज दोनों साइड, लेफ्ट एंड राइट. ओके, सो ये दो आपके कीमोरिसेप्टर्स हैं जो डिटेक्ट करते हैं कि ब्लड में कितना कंसंट्रेशन ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का या हाइड्रोजन आयन का है. सो अगर
ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम हो गया है या फिर कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गया है या फिर हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन भी ज़्यादा हो गया है. सो ये क्या करते हैं, सिग्नल सेंड करते हैं. ये जो पेरिफेरल रिसेप्टर है सेंटर में सिग्नल सेंड करेंगे सेंट्रल मेडुला ऑब्लोंगेटा को कि दैट द कंसंट्रेशन इज रेज्ड, द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज रेज्ड और द कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इज डिक्रीज. सो ये फिर देन अगेन ये मेडुला ऑब्लोंगेटा से फिर सिग्नल्स आते हैं रिस्पायरेटरी मसल्स को, डायफ्राम एंड इंटरकोस्टल मसल्स को टू इंक्रीज द वेंटिलेशन. फिर ब्रीदिंग आपकी बढ़ा देंगे. ठीक है, जब ब्रीदिंग बढ़ जाएगी तो ऑफकोर्स जो ऑक्सीजन है वो अंदर आएगी एंड द लेवल विल मेंटेन. तो जैसे ही होम्योस्टेसिस मेंटेन हो जाएगा अगेन दी सिग्नल्स, जो सिग्नल्स आ रहे थे वो स्टॉप हो जाएंगे. ओके, सो इस तरीके से ये कंट्रोल होता है. समझ आया बेटा सभी को? तो एक ये डायग्राम देख लेते हैं. दिस इज एनी स्टिमुलस, कोई भी स्टिमुलस हो सकता है. डिस्टरप्ट होम्योस्टेसिस बाय इंक्रीजिंग, ठीक है, डिक्रीज होम्योस्टेसिस बाय इंक्रीजिंग कंट्रोल कंडीशन. आर्ट्रियल, सपोज कोई भी स्टिमुलस है जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन बढ़ गया है या फिर कह सकते हैं पार्शियल प्रेशर जो ऑक्सीजन का है वो डिक्रीज हो गया है. ओके, सो क्या होगा, जो रिसेप्टर्स हैं आपके, जो सेंट्रल कीमो रिसेप्टर्स हैं मेडुला में और जो रिसेप्टर्स हैं आपके पेरिफेरल में, कीमो जो रिसेप्टर्स हैं एरोटिक बॉडी और कैरोटिड बॉडी में, वो सिग्नल्स आपका इनपुट भेजेंगे, इम्पल्स, नर्व इम्पल्स भेजेंगे कहाँ पर, आपके डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप में, मेडुला में. मेडुला में सिग्नल्स भेजेंगे, फिर मेडुला से आपका सिग्नल नर्व इम्पल्स वहाँ से जनरेट होगा और कह सकते हैं आप सिग्नल आएगा किसमें, जो आपकी मसल्स ऑफ इनहेलेशन है एक्सहेलेशन है आपके ये डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल्स, ठीक है, कि फोर्सफुली इनहेल करो एक्सहेल करने के लिए. ओके, इन मसल्स के पास ये सिग्नल आएगा एंड देन रिस्पॉन्स क्या ऑब्टेंड होगा हमें, डिक्रीज इन आर्ट्रियल ब्लड पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर फिर कम हो जाएगा, जैसे ही वेंटिलेशन बढ़ेगा तो ऑफकोर्स कार्बन डाइऑक्साइड का कंसेंट्रेशन कम हो जाएगा ब्लड में, पीएच भी आपका इंक्रीज हो जाएगा और जो ऑक्सीजन का कंसेंट्रेशन है वो इंक्रीज हो जाएगा. ठीक है, सो देन दी रिटर्न टू होम्योस्टेसिस when response bring arterial pressure normal. जब ये normal, ये सारे condition normal हो जाएंगे तो negative symptoms से ये जो control ये था जो signals थे वो stop हो जाएंगे. Okay, ठीक है बेटा, समझ आया किस तरीके से ये control होता है. ये important question है बेटा, regulation of रेस्पिरेशन, जिसमें इंक्लूड करना होगा दोनों, न्यूरोनल रेस्पिरेशन और केमिकल रेस्पिरेशन. न्यूरोनल रेस्पिरेशन में आपके दो सेंटर्स, न्यूरोनल रेस्पिरेशन में आपके कौन आता है, दो रीजन है, एक तो मेडुला है और कोन्स है. मेडुला में भी आपके फिर फर्दर दो रीजन है, डॉर्सल रेस्पिरेटरी सेंटर एंड डॉर्सल के साथ साथ वेंट्रल रेस्पिरेटरी सेंटर. ठीक है, फिर पोन्स में भी आपके दो सेंटर्स हैं, रेस्पिरेटरी सेंटर्स हैं, एपनोस्टिक सेंटर एंड न्यूमोटैक्सिक सेंटर. जो एपनोस्टिक सेंटर होते हैं वो इंस्पायर किसके लिए सेंड करते हैं सिग्नल, इंस्पायरेशन फॉर लॉन्ग एंड डीप ब्रीथ के लिए, और जो न्यूमोटॉक्सिक सेंटर है वो क्या करते हैं, इनहिबिट करते हैं इन सिग्नल्स को टू डिक्रीज द रेस्पिरेटरी रेट. ठीक है, तो ये है आपका न्यूरोनल सेंटर. न्यूरोनल्स में भी आपका एक वॉलेंट्री कंट्रोल होता है, जो किस जो एरिया कौन सा होता है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स. ठीक है, जो कि हम वॉलेंट्री कंट्रोल करता है वो एरिया, वॉलेंट्री कंट्रोल रेस्पिरेटरी सेंटर को कंट्रोल करता है. नेक्स्ट, केमिकल में आपके दो तरीके के केमिकल रिसेप्टर्स होते हैं, कीमो रिसेप्टर्स होते हैं, सेंट्रल कीमो रिसेप्टर्स जो कि लोकेटेड होते हैं आपके मेडुला में, और पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स विच इज लोकेटेड इन एरोटिक एंड कैरोटिड बॉडीज. ओके,
and both the receptor detect the variation in concentration of partial pressure of oxygen, carbon dioxide and pH. ठीक है, so ये सारा आपका include होगा regulation of respiratory center में. Okay, समझ आया बेटा? किसी को कोई डाउट हो अभी तो पूछ लो. हेलो, वॉइस इज कमिंग ना? ओके, नाउ नेक्स्ट इज स्टिमुलाई दैट इंक्रीज द ब्रीदिंग रेट एंड डेप्थ. कौन कौन से स्टिमुलाई हैं जो ब्रीदिंग रेट और डेप्थ को इंक्रीज करते हैं? सबसे पहला वॉलेंट्री हाइपर वेंटिलेशन कंट्रोल बाय द सेरिब्रल कॉर्टेक्स एंड एंटीसिपेशन एक्टिविटी ऑफ स्टिमुलेशन बाय लिम्बिक सिस्टम. वॉलेंट्री हाइपर, हम अपनी वॉलेंट्री, हमें अगर हाइपर वेंटिलेशन करना है तो वो केस पहला. दूसरा इंक्रीज इन आर्टेरियल कार्बन डाइऑक्साइड, अगर कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन बॉडी में बढ़ गया है तो भी ब्रेथ रेट इंक्रीज हो जाएगा. ओके, और आपका जो हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन है वो भी बढ़ गया है तो भी आपका जो ब्रीथ रेट है वो बढ़ जाएगा, रेट एज वेल एज डेप्थ. फिर डिक्रीज इन पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर अगर 105 mmHg से 50 तक आ जाता है तो भी आपका वॉइस नहीं आ रही. अभी आ रही बेटा, अभी बताना. सो नेक्स्ट इज इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ प्रो प्री रिसेप्टर्स. तो दिस प्रो प्री रिसेप्टर्स, ये रिसेप्टर्स आपके कहाँ सबक्यूटेनियस में प्रेजेंट होते हैं, स्किन, मसल्स और जो आपके ये सारे हैं बोन्स और इन सब में. सो ड्यूरिंग एक्सरसाइज, जैसे कि ड्यूरिंग एक्सरसाइज होते हैं ये रिसेप्टर आपके क्या है, स्टिमुलेट हो जाते हैं और सिग्नल सेंड करते हैं CNS को दैट कि मोर ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड. ओके, तो उस टाइम भी ब्रीथ रेट आपकी बढ़ जाती है. फिर इंक्रीज इन बॉडी टेम्परेचर, जब बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है तब भी, देन प्रोलॉन्ग पेन में भी ब्रीथ रेट बढ़ जाएगी. देन डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर जब कम हो जाता है तभी भी, एंड देन स्ट्रेचिंग ऑफ एनल स्फिंक्टर, इन केस में भी ब्रीथ रेट बढ़ जाता है. साथ साथ में है द ब्रीथ रेट कब डिक्रीज हो जाएगा ब्रीथ रेट. सो पहला वॉलेंट्री, अगर हम खुद चाहें, विच इज कंट्रोल्ड बाई द सेरिब्रल कॉर्टेक्स, अभी बताया था मैंने. ठीक है, तो वॉलेंट्री हाइपोवेंटिलेशन, सेरिब्रल कॉर्टेक्स ही एरिया है जो आपका वॉलेंट्री कंट्रोल करता है ब्रीथ रेट को इंक्रीज करना है, डिक्रीज करना है या फ्यू सेकेंड्स के लिए आपको होल्ड करना है. ये सारा कौन कंट्रोल करता है? CNS में सेरिब्रल कॉर्टेक्स एरिया. ओके, मेडुला एंड कोन ये चीज कंट्रोल नहीं करता. मेडुला एंड कोन इनवॉलेंट्री ब्रीथ को कंट्रोल करता है, इनवॉलेंट्री रिस्पायरेशन को कंट्रोल करेगा, वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता है. ओके, सो नेक्स्ट इज डिक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड, अगर कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन कम हो गया तो भी वो हो जाएगा ब्रीथ रेट डिक्रीज. देन डिक्रीज इन ऑक्सीजन कंसंट्रेशन एंड देन डिक्रीज एक्टिविटी ऑफ प्रोप्रीसेप्टर्स, देन डिक्रीज इन बॉडी टेम्परेचर, अगर बॉडी टेम्परेचर डिक्रीज हो गया है, एंड देन सीवियर पेन के केस में, एंड इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर एंड इरिटेशन ऑफ फैरिंग्स, लैरिंग्स और टच और केमिकल, इस केस में भी ब्रीथ रेट डिक्रीज हो जाता है. ओके, सो दीज आर दी conditions. So, hope everybody understood the control of respiration. Yes or no?